बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल और करम से। मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है व्यूवर्स कि आप जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, अल्लाह ताला बे औलाद जो हैं उन्हें औलाद से नवाजे और आप सबके वालिदैन का साया आपके सरों पर हमेशा कायम रहे। तो व्यूवर्स, काफ़ी अरसे के बाद आज हम जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर जो कि रहते हैं भावलपुर में। सॉरी, तो हम जो है इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं जी दरियाए सतलुज और यहाँ पे बहुत प्यारा ही व्यू था। दरियाए सतलुज में ज़्यादा पानी तो नहीं था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इस टाइम असर हो चुकी थी और सूरज जो है वो डूबने वाला था, तो बहुत प्यारा व्यू था। और बच्चे जो हैं, बच्चों ने काफ़ी ज़िद्द की कि हमने जाना है जी पार्क में और हमने वहाँ पे घूमना फिरना है, झूले लेने हैं। तो बच्चे जो है इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत सारा इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने झूले ले लिए और रात भी हो चुकी है, तो अब जो है हम जाएंगे वापस घर। बहुत इंजॉय किया रिश्तेदारों के घर भी और पार्क में भी, बहुत मज़ा आया आज। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब में जो है धान की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है और अब जो है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। हमारा जो धान है वो भी कट के आ चुका है, यहाँ पे अभी ऐसे ही रखा हुआ है। अब भीड़ जो है यहाँ पे रख दिया है और इस साइड पे जो है ये सारा फैला के रख दिया है इस तरह। अगर इसे फैलाएंगे नहीं तो फिर जो है ये धान जो है काला हो जाता है, तो इसलिए इसे फैलाना पड़ता है। या तो फिर उसी वक्त कटाई हो और उसी वक्त ही सेल कर दें, फिर तो कोई मसला नहीं है क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो लेके जाते हैं, वो तो फौरन ही सेल कर देते हैं, तो इस तरह कोई मसला नहीं होता। तो हमारा अभी सेल नहीं हुआ तो हमने जो है सारा यहाँ पे रख दिया है, ये वाला भी फैलाया नहीं है। और व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ, अभी हम जो है चलेंगे और अब जो है व्यूअर्स हम जा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने सब्जियाँ यहाँ पे बीज जो लगाए थे उनकी ग्रोथ जो है इतनी हो चुकी है। अब आपको ये भी दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो है ये सब्ज़ धनिया है जो कि थोड़ा इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, इसलिए ये अभी बहुत छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं। और ये जो है ये शलजम है, कुछ मूलियाँ, ये मेथी और ये जो है ये मूंगरे जो होते हैं वो वाले हैं। और यहाँ पे जो है ये लहसुन है, त्रंबड़ा हो गया। लहसुन जो है ये सबसे जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। और ये इतना हिस्सा जो था ये रह गया था, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था, तो कुछ दिन बाद मैंने लगाया तो अब जो है इतना इतना निकल रहा है। अभी जो है इन सब्जियों को थोड़ी सी खाद जो है वो देनी पड़ेगी, तो फिर जो है खाद मिलने के बाद इनकी ग्रोथ में एकदम से इजाफा हो जाएगा। बस एक बार ही देनी होती है।
खुदाई हो रही है धान की, और फिर जो है दो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ज़रिए जो है ना धान सारा वो रखा जा रहा है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो आती है रख जाती है, तो दूसरी जो है उसमें वो ट्रॉली में धान को भर दिया जाता है, तो फिर वो दूसरी आके रख जाती है, एक वापस चली जाती है, दूसरी यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह सारा ये काम हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आपको जो है हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।